आज हम गूगल ड्राइव के बारे में जानेंगे। गूगल ड्राइव क्या होता है और गूगल ड्राइव के फायदे क्या है और इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं ड्राइव क्या होता है। किसी भी फाइल, इमेज या वीडियो के रखने के भंडार को ड्राइव कहते हैं। जैसे कि आप किसी कंप्यूटर को खोलते हैं और आप माई कंप्यूटर में जाते हैं तो आपको कुछ ड्राइव नज़र आएगी। उसमें आपको लोकल डिस्क ABC करके कुछ ऑप्शन आते हैं, उसे आप ड्राइव कहते हैं। आपको और भी ड्राइव मिल जाएगी कंप्यूटर पर, CD ड्राइव, पेन ड्राइव। जैसे आप CD या पेन ड्राइव में कोई भी फोल्डर, इमेज या वीडियो स्टोर करते हैं, इसलिए इसे ड्राइव कहते हैं। तो अब जान लेते हैं गूगल ड्राइव क्या है। गूगल ड्राइव पर भी आप कोई भी फोल्डर, इमेज या वीडियो डाल सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होनी आवश्यक है। गूगल ड्राइव से क्या फ़ायदा? हम कंप्यूटर या CD या पेन ड्राइव में भी तो कोई भी फोल्डर, इमेज या वीडियो रख सकते हैं। वैसे तो आप कंप्यूटर, CD या पेन ड्राइव में भी कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कंप्यूटर, CD या पेन ड्राइव आपके पास हो। कभी कभी तो ऐसा होता है आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैक हो जाती है, CD अथवा पेन ड्राइव भी गुम जाती है या ख़राब हो जाती है, लेकिन गूगल ड्राइव के साथ ऐसा नहीं होता है। गूगल आपके स्टोर किए हुए फोल्डर, इमेज या वीडियो को सुरक्षित रखता है। गूगल ड्राइव पर आपको 15 GB की डाटा फ्री में मिल जाएगी। आप 15 GB से ज़्यादा डाटा गूगल ड्राइव पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे गूगल को पे करने होंगे। आप गूगल ड्राइव को PC, टैबलेट या एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसे एक और फायदा है कि आप किसी भी फाइल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट होनी आवश्यक है। अगर आप जानना चाहते हैं गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके हाउ टू मेक अ गूगल अकाउंट देख लीजिए। अगले वीडियो में गूगल ड्राइव के उपयोग कैसे करते हैं आपको हम बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।